मेरे तो मजे आ गए क्योंकि आज मेरी पनिशमेंट थी। क्या जुगाड़ लगा रहे हो बता तो दो। जो भी लगा रहा हूँ यार अभी पता चल जाएगा। हाय गाइस गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया काम किया है आज ये। बहुत बढ़िया काम किया आज इन्होंने। अभी बजे हैं 11:15। मैं 11 बजे उठा हूँ सो के और आज ऐसा काम किया है कि मैं जब से उठाऊं तब से सुन रहा हूँ मैडम से बातें। मैं इतना तो मैंने बोला भी नहीं है ठीक है। पूरा दिन सुनना है मैंने। मैंने एडवांस बता दिया सुनना है बट अभी मैंने ऐसा जितना कुछ बोला नहीं। मैंने एडवांस बता दिया। पर आपने किया क्या वो तो बता दो। देखो मैंने मैं बताती हूँ आप रहने दो। ये इन्होंने लगाए थे 4 अलार्म ठीक है कि ये सुबह जल्दी उठ जाएंगे। तो वो अलार्म अप्रोक्सीमेटली कितने 5:30 बजे से शुरू हो रहे थे ना। 5:30 से 6:30 तक के बीच 4:30 बजे मेरी नींद खुली थी। मैंने टाइम देखा था फिर मैंने कहा अच्छा अब 1 घंटे बाद उठ रहा है ठीक है तो सो जाते हैं। मैं सो गई। फौरन चेंज आज हुआ क्या था अयान मेरे पास सो रहा था और ये और एंजल दूसरे रूम में सो रहे थे। तो इन्होंने अलार्म लगाए थे और मैंने नहीं लगाए थे। इन्होंने मुझे बोला था कि लगाने की जरूरत नहीं है अलार्म मैं उठ जाऊंगा ठीक है राइट। 4 अलार्म भाई साहब के कब बजे कब बंद हो गए इनको कुछ नहीं पता और ये सो गए और मेरी नींद नहीं खुली उसके बाद मुझे भी नहीं पता चला। और आज हो गई है छुट्टी। आओ आपको तोहफों से मिलवाते हैं जो हमारे पास बैठे हैं। ये रहे हमारे इन दोनों की छुट्टी हो गई। और उससे बड़ा एक जो चक्कर पड़ा है वो ये हुआ है चक्कर क्या क्योंकि ये तो डेली ड्यूटीज है। सुबह रोज इनको स्कूल इनके मामू छोड़ने जाते हैं एंड आफ्टरनून की ड्यूटी है इनकी कि पापा लेने जाते हैं इनको सॉरी पापा इनको लेने जाते हैं एंड आरफ को लेने जाते हैं आरफ के फूफू। तो आज आरफ स्कूल में है इनको फिर भी जाना पड़ेगा इनका चक्कर अब लगेगा स्कूल का। यार जाने की बात नहीं एंजॉय। सुबह तुम्हें पता है क्या हुआ मैं उठा जब अवतार ने मुझे फोन किया कि ये तैयार हो गए और मैं उस फोन से मेरी नींद खुली है। वेरी गुड। और उसके बाद आरव ने मना कर दिया कि भाई दीदी नहीं जा रहे मैं भी नहीं जा रहा स्कूल। और वो फूट फूट के घर में रोया है। उसको पहले सबने प्यार से समझाया फिर डांट के समझाया फिर ये लालच फिर चॉकलेट दी है लालच दिया उसको इस शर्त पे गया है स्कूल कि मुझे फुफू और भाई दीदी लेने आएंगे स्कूल से मैं तब जाऊंगा। गाइस मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आज मेरे को सारा दिन इतनी सुननी पड़नी है ना हर चीज पे सुनूंगा क्योंकि अभी होगा क्या फर्स्ट पनिशमेंट आज इनकी ये है कि आज का ब्रेकफास्ट यही करवाने वाले हम तो बनाने नहीं वाले। वेरी गुड वेरी गुड। जाओ छुट्टी करवाइए एंजॉय भी करवाओ फिर। चलो चलो भागो भागो चलो जल्दी से रेडी हो घर से निकल गए आरव को पिकअप करने के लिए। जल्दी से जा रहे हैं ताकि उसको वेट ना करनी पड़े। आज भाई बहन के बिना गया हुआ है पहले परेशान है सुबह से। हम भी देखेंगे वो हमारे ऊपर गुस्सा निकालेगा नहीं अभी कुछ तो आगे कुछ तो होने वाला है धमाल होने वाला है पापा धमाल। तो फ्रेंड्स हमने आरव को पिक कर लिया। ये रहा आरव। वैसे दीदी भाई आप दोनों स्कूल क्यों नहीं आए आज? वो फोन उठाया ही नहीं। 3 अलार्म लगा के सोए। 3 अलार्म 4 अलार्म बताओ और उठाया ही नहीं फोन ने। हाँ। सारे अलार्म आरव बंद करता क्या और सोता क्या? हाँ। आरव आप रो रहे थे सुबह हैं? क्यों क्यों क्योंकि आप नहीं आए स्कूल में और उनकी मम्मा कह रही है कि आरव के साथ उसके भाई दीदी को नानी हाउस छोड़ दो और शाम को ले जाना। वो बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हो गए और मैंने भी बोल दिया कि ठीक है। सो आरव कैसा लग रहा है आपको बोलिए माइक में। सो प्लान में हो गया चेंज फ्रेंड्स। मेरे तो मजे आ गए क्योंकि आज मेरी पनिशमेंट थी कि इनको लंच बना के देना है तो मैं बच जाऊंगा। मम्मा से नहीं बचोगे आप? तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी माँ मुझे छोड़ने वाली है? बाय फ्रेंड्स। गुगली बाय। सो गाइस मैं आ गया हूँ घर। हेलो बॉल है उस आगे हम स्कूल से। Where is बच्चा पार्टी? बच्चा पार्टी is at नानी हाउस। हैं?
भावना का फोन आया था तो भावना कह रही बच्चों कहीं छोड़ दो, आरव सुबह उदास हो गया था ना तो थोड़ी देर खेल लेगा तो मूड सही हो जाएगा, तो इसलिए बच्चों को उधर ही छोड़ दिया। अब मेरे खाने का क्या होगा? चल गया दिमाग। मैं फ्रेंड्स को ये बोल रहा था, मैं कहा मैं बच गया, आज सुबह जो मुझे पनिशमेंट मिली है कि लंच मैंने बना के देना है तो मैं बच गया, बच्चे तो उधर चले गए। खिलाने तो वाला हूँ यार, अभी कुछ ना कुछ दिमाग लगा के कुछ खिलाते हैं आपको। तुम दिमाग नहीं लगाओगे, तुम जुगाड़ लगाओगे, तो मुझे समझ में आ रहा है ना, तुमको देखिए तो पक्का है क्योंकि मैं अभी अब बनाने नहीं वाला, मैं दो बारी तो घुसूंगा नहीं किचन में। हाँ, है ना, तुमको जुगाड़ लगा, तो अब मैं कुछ बना बनाया देखता हूँ क्या खिलाता हूँ तुम्हें। तुम कुछ पक्का क्या क्या जुगाड़ लगा रहे हो बता दो। जो भी लगा रहा हूँ यार अभी पता चल जाएगा, तो मैं जाता हूँ मार्केट और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए। मार्केट? एक मिनट, लंच बनाने की बात हुई थी, मार्केट जाने की बात नहीं हुई थी। बेटा जब बच्चे नहीं है लंच पे घर पे तो वो लंच डिनर पे शिफ्ट हो गया। जाओ मुझे, या फिर मैं या फिर कल का लंच खाना, जाओ यार। ठीक है चलो। सो गाइस अभी देखना मैं जाके इसके लिए कुछ लेके आता हूँ अपने लिए भी, भूखा हूँ मैं भी सुबह से। ये देखो ये तो ऐसे बैठी हुई है, कुछ नहीं बना पाई इतनी देर से, हम स्कूल से भी होके आ गए। बाय बाय। सो फ्रेंड्स क्या मिला है मुझे लंच में खाने को वो मैं आपको बताती हूँ। ये लंच आज इतना महान लंच मिला मुझे, देखो कैसे हंस रहे हैं ये, देखो इनको जरा। मैं खिला रहा हूँ ना अल्टीमेटली, ये आप ही खिला रहे हो ना अल्टीमेटली। ये है हमारा लंच, देखो छोले भटूरे, और इनको देखो जरा कितने खुश हैं। ये है ना, ये राज है, ये राज है हमारा, ये राज है हमारा, है ना, क्या कह रहे हो? मैंने मेरी पनिशमेंट पूरी करी है। ये काउंट नहीं होगी, एक्सक्यूज मी, ये काउंट नहीं हो रही। ये कोई बात नहीं, काउंट नहीं हो रहा, ऐसे थोड़े ना होता है। स्नाइपर भी आगे बैठ गया आराम से। स्नाइपर पापा क्या लेकर आए हैं लंच के नाम पे? हैं भाई उसने अपना क्या लाया है? वो तो अपना फूड खा के बैठा है, पनीर खाया उसने तो। स्नाइपर मम्मा को ये अनहेल्दी फूड खाना पड़ेगा। ये पंजाबियों के लिए ये हेल्दी फूड होता है। हाँ ये तो है। है ना, पंजाबियों का स्पेशल हेल्दी फूड है। स्नाइपर आ रहा है देखने। हाँ जी हाँ जी, क्या आपको भी चाहिए? आपको भी चाहिए? मना कर रहा हूँ, आपने भी खाना है। अच्छा खाओ, वेरी गुड, गुड बॉय, चलो बैठ जाओ। आपने खाया होगा? हाँ हाँ अभी बैठ रहा हूँ मैं। अभी करें माउंटी तेरा हम। ये मस्ती चलती है इनकी, मस्ती मस्ती। स्नाइपर बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत क्यूट है, ये बहुत क्यूट है। सुना पापा हैंड वॉश करोगे अब आप? चलो गाइस मिलते हैं खाना खा के। सो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 8 और देखता हूँ जरा रूम में, बड़ी देर से आई नहीं है नजर, हटी तो रूम में ही है मैडम। क्या कर रहे हो? मैं आज का स्कूल का इनका ना वो ग्रुप में डिस्कशन करी है, मैंने पूछा है सारा काम ना जो आज हुआ है इनका स्कूल में। ओके, काफी सारा काम है लिखवाने वाला, तीनों सब्जेक्ट्स का काम है, एक छुट्टी मुझ पे भारी पड़ेगी अब। कोई बात नहीं, बच्चे आने वाले हैं अभी, लोकेश से बात हुई है वो छोड़ने आने वाला है। अच्छा आ रहा है वो छोड़ने? आगे लग रहा है, आ गए हैं बच्चे, आ गए हैं। स्नाइपर को देख लो। हाँ जी, हेलो बोलो सबको। हेलो फ्रेंड्स। आप ऐसे ये भूत बने कहाँ से आए हो? नानी के घर से आए हो? कहाँ से आए हो बेटा? नानी के घर से आए। भूत लग रहा, भूत। अरे ने मारा क्यों? लड़ाई लड़ाई कर ली। ये तो कार में भी पिटते पिटते आए हैं। क्यों कार में क्यों पिटते हुए आए हैं? अरब ने इनको मारा कार के अंदर। आप लोगों ने छुट्टी क्यों कर ली मुझे अकेले? यस बिल्कुल, बाहर पढ़नी चाहिए। फूफू को कुछ नहीं कहा आरव ने? बच गए, कोई बात नहीं, कल सुबह मैं पिटवाऊंगी आपको। इनका अब सारा जो काम है वो मैंने पता कर लिया है इनके फ्रेंड्स से, सारा रिटर्न वर्क है। अरे यस, ओ यस, सब मजा आएगा, छुट्टी करने का नतीजा मिलेगा। पापा शो करवाई, पापा को पनिशमेंट दी थी। ओ याद दिखा गया तुम लोगों को ये। मैंने तुम्हें तो खिला दिया। एक्सक्यूज मी, आपने नहीं खिलाया? नहीं आप लोग बोलो, दिस इज शिट। मैंने खिलाया कि नहीं खिलाया कुछ भी? यार रिवाइंड करके देखना जरा। गाइस इन्होंने कुछ बना के खिलाया? आप प्लीज कमेंट में बताओ कि इन्होंने कुछ बना के खिलाया है आपको, तो सब पता है। आपको बोलो खाने में क्या खाया?
मैंने बहुत इतनी बढ़िया सी चीज खिलाई है मम्मा को, वर्ल्ड बेस्ट पंजाबियों की फेवरेट डिश है ना, मैंने सारे पंजाबियों की फेवरेट डिश वो तो है छोले। यस देख ले असली पंजाबी छोले भटूरे। ये आपने ने बताया ये आप मार्केट से लाए हो? फ्रेंड ने पापा मेरे खिलाए, पापा चीटिंग कर गए। चीटर तो अब चीटर को एक और पनिशमेंट दे दे। तो ये पापा ही बनाए यार। एक तो यार कहाँ फंसा रहे हो तुम, तुम्हें पता है मुझे कुछ बनाना नहीं आता। जो आपको बनाना आता है सिर्फ वो बनाओ, बाकी डिनर तो मैंने प्रिपेयर करा हुआ है। नवरात्रे वाले मुझे पकोड़े खाते हैं, वो तो फेवरेट है, वो मुझे बनाने आता है। चलो फिर आप वही बना दो, बाकी तो डिनर बना पड़ा है, फिर हम खा लेंगे बाकी। चलो उठो के चलो स्नैक्स की तरफ। हां 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 आप दोनों यहां आए, आप होमवर्क करोगे अपना जो ये क्लास टास्क मिस किया है। मैं वहां पे क्लास टास्क। हां जी हां जी मैं फर्स्ट हो गया हूं। तो नूनो अब एक काम करो यार, इनको आप पढ़ाओ, मैं अपना काम करने जा रहा हूं। हटे पहले ये देखो, इसको अभी इसी टाइम सारे पंगे ले। मैं उसको दिखा रहा हूं, ये बीच में आ रही है, तुझे भी गुटे चाहिए? ये फालतू के लो, मुझे भी फालतू के लोग फुटेज ले रहे हैं यहाँ पे। आज खाना मैंने बनाना है, फुटेज का टाइम मेरा है। तुम सब साइड हो जाओ। तुम वो देखो वो बैठा बैठा खेलने में लगा हुआ। तो यार अब इनको पढ़ा लो, मैं जा रहा हूँ अपना काम करने, और जब तुम्हारा हो जाएगा तब मुझे बता देना, उसके बाद बनाएंगे। दो तीन घंटे बाद। तो जी बच्चे पढ़ चुके हैं, होमवर्क कर लिया है, थैंक गॉड आज ज़्यादा देर नहीं लगाई, एक डेढ़ घंटे में ही सारा होमवर्क कर लिया। और अभी कुछ इस तरह से ये बेड पे गिर पैक करके ये थक चुके हैं अब। वी आर सो टायर्ड। हाँ तो ट्रू 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 वी आर टोटली टायर्ड राइट नाउ। तो हमारे आज के स्पेशल बावर्ची किचन में चल के देखते हैं क्या हो रहा है। मुझे लग गई बैट लग गया। गॉड ये रे ये रे। हेलो हेलो तो हम अब आपसे मजे भी ना ले हैं, तंग भी ना करें हम आपको। जब मैं किचन में हूँ तो कितना तंग करते हो आप लोग मुझे, हम तंग ना करें। मुझे तंग होने की आदत नहीं है भाई। देखो हमने पढ़ लिया, बच्चों ने अपना काम सारा कंप्लीट कर लिया है, हैं सारी चीजें कर ली हैं, आपसे अब तक पकोड़े ना बने। खाते खाते या मतलब कैसे पढ़ते फिर ये? मतलब पढ़ते पढ़ते कैसे खाते, आप ये कहना चाह रहे हो? दोनों बातें सही हैं। पकोड़ा शेफ, पकोड़ा शेफ, वाह क्या नाम दिया ना आपने अपने आप को। कैलेंडर हो आप? नहीं यार इतना खाना नहीं बनाता जितना कैलेंडर बनाता था उस मूवी में, ठीक है ना। मूवी का नाम कमेंट करो गाइस, बताओ कौन सी मूवी में कैलेंडर करेक्टर था। दोनों आटे मिक्स किए हैं ना हमने? हाँ ये दोनों आटे मिक्स करके बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बहुत यम्मी बनते हैं। और ये पकौड़े मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बनाती नहीं हूँ, बनाती हूँ, बट ठीक है जो काम ये कर लेते हैं ना थोड़ा सा इनके ऊपर भी छोड़ देते हैं हम, सारा दिन तो करना पड़ता है काम। एज एन पनिशमेंट ही सही आज तो। तो जी गर्मा गर्म पकौड़े बनने शुरू हो गए हैं, बस खुश मेरी पनिशमेंट हो रही है जो। बिल्कुल खाने को पकौड़े भी तो मिले, रात को मुझे लगा दिया लाइन पे। अरे खाने को पकौड़े मिले हमें, आप समझ नहीं रहे आपको पनिशमेंट क्यों दी गई थी। Very nice. पकोड़ों के लिए दी गई थी। नमक मिर्च सब परफेक्ट है। चलो अब आप डाल के बच्चों को दो। गर्मा गर्म बहुत गर्म। क्योंकि पापा भी बने हैं बावर्ची। वाह 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 वाह। हेलो गाइस आहाना कहाँ है? कमरे में। आहाना तो उधर बैठी है, मैं बुला के लाती हूँ। बुलाओ आहाना को। आहाना ये लो जी, आओ इधर जल्दी आओ। यम्मी यम्मी
यम्मी यम्मी। अब बताओ मुझे ए नयान टमी आहाना भी आ गई। चलो आहाना जल्दी से। नयान बहुत हॉट है। हॉट है ध्यान से। हाउ वाज इट? बढ़िया। यम। पापा पास हो गए पनिशमेंट में? और पनिशमेंट ओवर? यम्मी फूड इज गोइंग इन योर टमी। यस 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 गाइस, मेरी पनिशमेंट मैंने फुलफिल कर दी है। सो गाइस, अब हम अपने लिए भी बनाकर फटाफट से खाएंगे। अब मैं इनकी हेल्प कर दूंगी, थोड़ी सी बच्चों को खिला दिया इन्होंने, दैट्स इट। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, सी या। बाय बाय, सी या टिल देन, बाय।